बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहरी कर ली है मैंने और फजर की नमाज़ जो है वो भी पढ़ ली है, और लॉकडाउन की वजह से ना नमाज़ जो है वो घर में ही पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि मस्जिद में अलाउ नहीं है, तो घर में ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर नमाज़। तो अभी अंधेरा है बहुत ज़्यादा बाहर। अभी रोशनी हो गई है और अभी सूरज जो है निकला नहीं है। माशाल्लाह, परिंदों की आवाज़ें सुनिए ज़रा। और हमारी साइड पे ना गंदम की कटाई जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई हुई है। कोई एक आध खेत रहता हुआ, ये खेत रहता, देखें इसकी कटाई होनी है, बाकी कटाई जो है वो होगी हुई है। हालांकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, मे भी रमज़ान की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, इस दफ़ा नहीं हुई इन दिनों में। अभी तकरीबन आधे रोज़े जो हैं वो निकल गए हुए हैं, और फिर भी जो है वो गर्मी की शिद्दत में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम दिख रहा है ये, और ये वैसे तो गिर गया हुआ, लेकिन ये गिरा हुआ भी, ये देखें नीचे वाला हिस्सा इसका सूख गया हुआ है वो लकड़ी, और ये वाला हिस्सा जो है गिरे हुए पौधे का ही, ये ऐसे ही है बिल्कुल सबस और कसकलास। ये मकई भी जी हुई है और साथ गन्ने की फसल अभी जी, मकई और गन्ने की। और ये तूड़ी है हमारी, जानवर के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है, और इस दफ़ा इसकी भी शॉर्टेज है। और अभी इसको हम बोरूं और जो बड़े बड़े टाट हम बोलते हैं ना, जिसे कपड़े कह लें, बड़े बड़े तोड़े के कपड़े जो, उनको टाट बोला जाता है पंजाबी में, इनमें डाल के तो फिर घर ले जाएंगे और सेव कर लेंगे। फिर सारा साल ये जानवरों को डाला जाता, फिर सारा साल ये जानवरों को डाला जाता। तो अभी हम लोग बोरों में डालेंगे इसको, सारी जो तूड़ी है इसको बांध लेंगे और उसके बाद घर ले जाते हैं। सूरज निकला है अभी, और काम भी हमारा थोड़ा रहता हुआ है, मैं थोड़ा लेट गया हूँ, और ये काम ऐसा होता है इसमें कपड़ों की हालत जो है ना वो टाइट हो गई, ये देखिए। लेकिन चूंकि ये जानवर के लिए पूरे साल के लिए सेव करना होता है, तो इसलिए ये काम करना पड़ता है। तो बस यही रहता है, इसके बाद 2 से 3 माह खेत में कोई काम नहीं, खेत जो हैं वो खाली हो जाएंगे और फ्री। फिर उसके बाद 2 से 3 माह के बाद जाकर चावल की फसल जो है वो काश दी जाएगी। तो तकरीबन खेत खाली हो गए इन 2 हिस्से, एक हिस्सा कैलिंग के रहता हुआ, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर खेत जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे इंशाल्लाह। डाल दी है तोड़ू में और थोड़ी रहती है, और परिंदे अभी भी जो है ना उनकी आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की अभी भी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी मैं आया हूँ सब्ज़ी में, माशाल्लाह से देखिए सब्ज़ी ज़रा, अभी आपको मैं दिखाऊँ।
ये जो है ये सूरजमुखिया लगा हुआ, ये प्याज है, ये आज वो सारा का सारा खेत से उखाड़ लेंगे। और ये सब्ज़ है, सॉरी ये लगा हुआ है जनाब सूरजमुखिया, और ये सरसों का साग लगा हुआ है। इसकी रेसिपी भी अभी बनाते हैं इंशाल्लाह, रमज़ान में सरसों का साग और चिकन मज़ेदार बनेगा। उसके अलावा आपको दिखाऊं सब्ज़ धनिया लगा हुआ ये माशाल्लाह, और ये खेत देखें आप सारा चला, एक ये टमाटर और ये टमाटर लगे हुए, टमाटर। उसके अलावा ये कद्दू की बेल है, लेकिन इसके ऊपर अभी लगा नहीं हुआ। ये भिंडी है लगी हुई, भिंडी लगी हुई है ऊपर। और जब से खेत के अंदर आए हुए हैं ना, तब से आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की माशाल्लाह। हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ये बहुत डस्ट वाला काम होता है, तो डस्ट काफ़ी कपड़ों के ऊपर पड़ी हुई है। परिंदे जो हैं वो अभी भी उड़ रहे हैं, टाइम जो है वो तकरीबन 7 से ऊपर का हो गया। सुबह जल्दी आने का बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि काम जो है वो जल्दी हम लोगों का ख़त्म हो गया। अभी घर को चलते हैं और जाकर नहाते हैं। ये यहाँ पे किचन बना रहे थे, लेकिन फिर रमज़ान की वजह से थोड़ा काम हुआ। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये दीवारें वगैरह दी हुई हैं, और ये अभी हम लोगों ने किचन मुकम्मल तैयार करना था, वो तो नहीं हुआ अभी। आज हमारे किचन में बन रहा है टींडे और चिकन, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आइए आपसे भी शेयर करते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं। तो शुरू करते हैं, कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा ली है, थोड़ा सा इसमें हमने कुकिंग ऑयल जो डाल दिया, प्याज शामिल करेंगे, तो प्याज हमारा जो है वो सुनहरा हो गया। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं, अदरक और लहसुन जो है इसे भून लिया हमने। अभी टमाटर शामिल करेंगे, साथ हम सब्ज़ मिर्च शामिल करते हैं, टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अभी हम शामिल करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, और थोड़ा सा पानी भी शामिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा भुन गया है। अभी चिकन हम शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। अभी चिकन जो है इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे मसाले के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया इसको हमने। अभी इसमें हम शामिल करेंगे टींडे, और टींडे जो है इनको काट के हमने धो के जो है वो खुश करने के लिए छानने में डाल के रखिए हुआ था, अभी ये खुश्क हो गए हुए हैं, तो अभी ये शामिल करते हैं। ये टींडे जो हैं इनको भी हम भूनेंगे सही तरह मिक्स करते हैं। तो ये कभी ट्राई कीजिएगा, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो बहुत मज़े का बनता है इसका सालन। थोड़ा जो हम पानी डालेंगे ताकि
चीज़ा जड़ियाँ नहीं गल जान। पानी डाल दिया, आग जो है वो मीडियम कर लिया हमने, अभी ढाँक देते हैं और इससे ये होगा कि ये चीज़ें भी हमारी अच्छे तरीके से गल जाएंगी और पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। अभी हम डालेंगे साबुत गर्म मसाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया, अभी नीचे उतारते हैं। Got it.